हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर की। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन आपको लिखवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको करा दिया था। आज हम क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। तो कंप्यूटर स्टूडेंट्स 3 तरह के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, तो हम लोग जो कंप्यूटर्स चलाते हैं वो कैसे होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, और एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें आपको एनालॉग सिग्नल्स दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे हम वॉच की बात करें, घड़ी की बात करें, तो घड़ी 2 तरह की होती है। एक होती है एनालॉग, दूसरी होती है डिजिटल वॉच। एनालॉग में क्या होता है, आपको घड़ी की सुई को देख के आपको टाइम समझना पड़ता है। और डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, डिजिट्स में लिख के आता है कि कितने बजे हैं और कितने उसके मिनट्स हैं। ठीक है, डिजिटल घड़ी आपने देखी होगी और एनालॉग घड़ी आपने देखी होगी। ओके, तो बिल्कुल वैसे ही होता है। जो कंप्यूटर डिजिट्स पे काम करता है, बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है, 0 और 1 पे जो सिस्टम काम करता है, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं, इनकी कई कैटेगरी हो सकती हैं। यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स आप अभी जानते हैं करंट में, वो कैसे हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर हैं जो छोटे होते हैं साइज में और इनकी स्पीड काफ़ी ठीक होती है, जो लोग हम जनरली यूज़ करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट्स या कोई भी स्मार्टफोन हो गया, ये आपके सभी कैसे हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे स्मार्ट वॉच आती है तो उसमें भी ऐसे फीचर्स होते हैं, तो हम उसको माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरे होते हैं मिनी कंप्यूटर्स, ये माइक्रो कंप्यूटर्स से बड़े होते हैं और ये कंपनीज में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि किसी कंपनी में या किसी बड़े ऑफिस में जो उनका मेन कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। ओके, और इसका यूज हॉस्पिटल्स में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये इन दोनों से बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बहुत बड़ी कंपनीज में, जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं, वहाँ पे इस कंप्यूटर को रखा जाता है, ताकि ये सभी कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड कर सके, सभी को मैनेज कर सके। ओके, बड़ा कंप्यूटर है क्योंकि। और नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इन सभी से पावरफुल होता है, ये कुछ ही सेकंड्स में लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस कर सकता है, मिलियंस बिलियंस कैलकुलेशंस एक ही सेकंड में ये कर सकता है। ओके, ठीक है, तो आपको डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है अभी। तो ये 4 तरह के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स आपको भी बताएं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।